वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हसना नमना। तो आज हम बना रहे हैं दादा पकौड़ा, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है और ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है। तो आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये प्याज है 3 अदद, इनमें मैं लेमन डाल रही हूँ। दो टेबलस्पून इसमें लेमन चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, उससे थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि अभी और डालना है दूसरी चीज़ों में भी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये नमक डाल लिया हम लोगों ने और इसको अच्छे से मस लेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि पानी इसमें काफ़ी होता है प्याज में, तो इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है कि और पानी डालें। फिर जब देखेंगे पानी और जाता है या नहीं, तो इसको अच्छे से मसल लेते हैं ताकि सारा प्याज अकेला अकेला हो जाए और खुश खुश हो जाए कि मैं मुझे अच्छे से नमक लग गया, क्योंकि नमक नहीं छिड़कना चाहिए किसी के जख्मों पे और हमने प्याज पे छिड़क दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें नमक लगा के इसको ये सॉफ्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ये छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने ये आलू काटे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्चें, ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें काटी हैं। ये है तेज, तो ये है जी चाट मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा है, जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ये धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ये लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 हल्दी, ठीक है। इसको हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसके जाएगा 1 टीस्पून ये भर के लहसुन अदरक का, ठीक है, लहसुन अदरक भी चला गया। अब इसमें हम लेमन और डालेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम ये हरा धनिया मुट्ठी भर के इसमें डाल देते हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं, आप इसको बनाएं और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें। इसमें हम बेसन डालेंगे 1 कप के करीब, 1 से 1.5 कप जाएगा इसमें बेसन। साथ ही हम इसके ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी, अब हम इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे। अगर कॉर्नस्टार्च नहीं है तो आप इसमें अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून मैंने डाला भर के, ठीक है। साथ ही इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, ये अब हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें। अगर सोडा डालेंगे तो वो कम कर डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा तेज़ होता है। अब हम इसको खुश खुश कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखते हैं इसमें पानी कितना जाता है और बेसन। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें पानी और रेडी काफ़ी है, पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि प्याज ने अपना ये जो उसका मॉइस्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा
अच्छा जी, अब हमें ये इस तरह ये स्टिकी स्टिकी चाहिए। देखें माशाल्लाह से स्टिकी स्टिकी हो गया। देखें जी, ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं ग्रीस, ये इस ट्रे को, पैनकेक वाली जो ट्रे है इसको ग्रीसी कर लेते हैं। कपकेक, अच्छा जी, अब ये कपकेक वाली ट्रे है इसको ग्रीसी कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से लग जाए, साथ नहीं लगे। ठीक है, ये कप में मिक्सचर डालते हैं। ये बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर इसको बनाएं, क्योंकि रमज़ान में हम लोग ये ऑयली चीज़ें खा खा के बंदा थक जाता है, तो चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंट बंदा कर ले, और ये हेल्थी भी है, फ्राई नहीं हो रहा तो हेल्थी है। फ्राई पे रखने लगी हूँ 25 मिनट से 30 मिनट, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो तब हम इनको निकालेंगे, जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लें। ठीक है, आंजी रखते हैं। ये गैस मार्क मैंने सिक्स कर दिया और इसमें ये अब पक जाएंगे। ठीक है, देखें अब ये माशाल्लाह से हो गए हैं, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना जबरदस्त कलर आया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से, अब हम इसको कर, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। मज़े ये बने हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, तो आप इसको बनाएं, ये बच्चों के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि एक शौक से खाएंगे। अच्छा, ये देखे हमारे दादा पकोड़े बन गए हैं, बहुत मजे के बने हैं, यकीन माने इतने मजे के हैं, ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखे कितना कलर नाइस आया, खतरनाक, बहुत मजे के हैं।